अंडर द्लस टू स्कीम एंड नो सिलेबस हैज बीन प्रिस्क्राइब बाई दी इंस्टीट्यूट तो मोटा मोटा इसका क्या मतलब है कि कोई भी सिलेबस ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स आएंगे या फिर ये ही पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं बट टेन प्लस टू का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है और कौन सा पुराना वाला है या अभी वाला ऑब्वियसली अभी वाला एन टी ए ने एन सी आर टी के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं और वो जो नए चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करनी है जो नया एन का सिलेबस है उसके पी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए ध्यान देना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रो वेव्स एटम्स एंड न्यूक्लिया ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स एंड एक्सेट्रा ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसा नहीं है कि इनके अलावा आपको नहीं पढ़ना बट मेजर पोर्शन मेजर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वी वी आई पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की अब केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है केमिकल गायनेटिक्स पॉलिमर्स बायोमोलिक्यूल्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सॉल्यूशंस सरफेस केमिस्ट्री फिनॉल्स एंड ईथर्स किटो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल्स एक्सेट्रा अब बात करते हैं द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत से डाउट्स आ जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन के अंदर स्पेशली अगर फार्मूला बेस्ड है आंसर्स के अंदर पॉइंट्स के अंदर या फिर अप्रॉक्सीमेशन बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग रहता है और हम ईजीली कर सकते हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर मिनरल न्यूट्रीशन डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियर एंड यू कैरियर नेक्स्ट आ जाते हैं सेल चैप्टर उसके एलिमेंट्स उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट बाइनोमिल नॉमिनक्लेचर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मैंडल्स थियोरी ऑफ इन्हेरिटेंस एंड सेल थी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो बायोलॉजी बिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो कि सही होने के चांसेस हैं वो बायोलॉजी पोर्शन से होते हैं तो कोशिश करें कि बायोलॉजी का तो सारा का सारा पोर्शन पढ़े और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं इनको और भी अच्छे से करें अब पेपर के अंदर टेन मार्क्स का एक जीके पोर्शन भी रहता है उसके अंदर एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर फोकस कीजिएगा उसकी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि वो जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो स्कोरिंग हो जाता है वो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि जीके हमें इतनी याद नहीं रह पाती है सो प्रैक्टिस वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम सो दैट्स ऑल फॉर टूडे वीडियो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेप for everything about nursing directly from Amesonians.